हेलो गाइस, हाय, कैसे हैं आप सब। मैं पूनम आप सबका स्वागत करती हूँ उसी ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल में। तो अभी रात का समय हो रहा है, रात के 8 बज रहे हैं और आज संडे है। तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, और कहाँ जा रहे हैं ये तो फिलहाल नहीं पता, बाहर जाके ही पता चलेगा। देखते हैं, या तो खाना खाने जाएंगे या फिर बस ऐसे गुन्नू करके आएंगे। ये आज ब्लैक ब्यूटी बने हैं, मैं दिखाती हूँ इनको आपको। इधर देखो तो थोड़ा, और ब्लैक ब्यूटी, मिस्टर ब्लैक ब्यूटी, इधर देखो ब्लैक हैंडसम। अरे अरे, आज अच्छा ब्रांडेड शूज। जल्दी चलो, जल्दी चलो, लेट हो जाएगा। बाबू तो फिर से अपना बाल निकाला ना चोटी। हाँ नहीं, नो 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 नो, मैं हूँ, मार पड़ेगा बता रही हूँ। ये इनका फोटो सेशन चल रहा है इन लोगों का। रिटर्न आएंगे ना, हमारा फिर से चालू हो गया। तेरी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू, तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूँ सुना सा एक आसमां महताब तू, ओ करम खुदाया है। चुके हैं घर से और ये ड्राइव कर रहे हैं। मीहू का तो हमेशा से है गाड़ी में। हेलो बोलो। हेलो, आज अच्छे लग रहे हो आप। ओ मैं डेली अच्छा लगता हूँ। नहीं, ब्लैक सूट करता है आप पे। गुन्नू गुन्नू, जब हम, लेकिन जब हम लोग छोटे थे, मीहू जितने छोटे थे, तो हम लोग को तो अपने गाँव में, गाँव के मोहल्ले के सिवा कहीं निकलने ही नहीं मिलता था। आप कहाँ कहाँ घूम, बताओ मीहू के एज में आप कहाँ कहाँ घूम। देखो मीहू के ठार, देखो कार में बैठ के घूम रहा है। हाँ मीहू, हम लोग को तो कहीं घूमने ही नहीं मिलता था, कहीं जाते भी थे साल में एक बार तो साइकिल में, पापा साइकिल चलाते थे डंडी वाले साइकिल में, मैं और मेरी बहन डंडी में बैठते थे, दो दो लोग को जाने का, एक बार में दो लोग को मौका मिलता था, नहीं नहीं तीनों जाते थे, दो सामने एक कैरियर में पीछे। कार तो सोच भी नहीं सकते थे भाई, है ना, बाइक भी नहीं सोच सकते थे हमारे टाइम। और ये मीहू का प्रोग्राम चालू हो गया, नए मीहू पापा को दिखाई नहीं देगा। गैस मैं आपको दिखाती हूँ, इन्होंने बोला कि हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं बाहर, और घूमने के नाम पे हम लोग के साथ हुआ है धोखा। ये कहाँ पे लाए हैं, ये लाए हैं हम लोगों को शुभम के मार्ट फिर से। आप लोग घर से बोले कि कहीं बाहर जाएंगे, कहीं अच्छी जगह पे घूमने, और सुबह हम के मार्ट लाए हैं। पता नहीं, हम लोग उस दिन ईडी मार्ट जाके आए थे बस। दो गाइस, ये न्यू सुबह मार्ट है, सुबह मार्ट का दूसरा सेक्शन, क्योंकि ये एक पड़ता है संतोषी नगर में। ये शूज वाला सेक्शन है, ये पूरा कंप्लीट शूज सेक्शन है। नीचे में ग्रोसरी है। तो खुद आएगा तो आजा। मैं हूँ, चलो चलो मैं हूँ। और ये इधर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा क्लोथिंग का सेक्शन है, इधर पूरा कपड़ा मिलेगा आपको, क्लोथिंग सेक्शन मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा है ना। गाइस मैंने पैंट लिया है और मैं उसे ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम जा रही हूँ, पता नहीं फिटिंग होगा कि नहीं, ट्राई करना जरूरी है क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। लास्ट में है ट्रायल, हम लोग ऊपर से नीचे आ चुके हैं, और नीचे में ये पूरा आप देख सकते हैं ग्रॉसरी सेक्शन है। यहाँ तो ग्रॉसरी सेक्शन भी पुराने वाले सुबह से बड़ा ही है। नारियल तेल ले लो, नारियल तेल ख़त्म हो गया है उधर, में इस साइड में है देखो ना। हम लोग
सुबह मार्ट से बाहर निकल चुके हैं और ये बिलिंग करा के जो आने वाले हैं मीनू वहाँ परेशान हो रहे थे ना, इसलिए हम लोग रेस्ट बाहर निकल गए। बस ये हो गया हम लोग संडे। सुबह मार्ट घूम के आ गए ना वो, देखते हैं अब अगर कहीं बाहर खाना खा मिल जाए, अदरवाइज बस कहाँ घूमने के लिए आए थे और ये मैं अपनी घर पर सामान लेके जा रहे हैं। उनके नाम की हम लोग अभी आए हैं RJ21 राजस्थानी ढाबा। पहले बार भी इसी टेबल में बैठे थे ना, हम लोग पहले बार भी इसी में बैठे थे। गैस हम लोग ये हम लोग सेकंड बार आ रहे हैं यहाँ पे और हम लोग पहले बार भी इसी टेबल में ही बैठे थे। गैस आप देख सकते हैं ये है यहाँ की थाली, ये स्पेशल थाली है शायद, नहीं हाँ ये स्पेशल थाली है और ये नॉर्मल थाली है। थाली में गैस हम लोग खाना खा चुके हैं और निकल गए हैं और जा रहे हैं घर। सामान निकालने के लिए आई हूँ, जो भी हम लोगों ने छोटा मोटा सामान लिया था। अच्छा है कि हम लोग खाना खा के आ गए, अब मुझे खाना तो बनाना नहीं पड़ेगा। तो जब मैं फटाफट से सामान निकाल लेती हूँ गाड़ी से, ये गैस गाड़ी में सामान है और ये मैं लेके आई हूँ टब, इसमें निकालूँगी मैं सामान ट्रांसफ़र कर दूँ। बहुत कष्ट है ना, लेते समय तो ठीक है लेकिन सबसे बहुत ही बोरिंग और बहुत ही दिमाग ख़राब करने वाला काम है ट्रांसफ़र करना। हम लोग घूमने के लिए और के घर का सामान, शादी के बाद यही होती है ज़िंदगी, कहीं भी चले जाओ गैस ग्रॉसरी से पीछे नहीं छूटता, कहीं भी जाओ तो याद आता है। ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, मिक्सचर ले लेते हैं, बिस्किट ले लेते हैं, काजू ले लेते हैं, यही है ज़िंदगी, निकलते किसी और नाम से हैं और लेकर आते हैं ग्रॉसरी। हे भगवान, एक सादी सुधा ज़िंदगी ऐसी होती है, ग्रॉसरी और हमारा पीछा तो छूटता ही नहीं है। तो चलो ला के हम आ गए हैं अंदर और ये मीहू को अब सोना है, इनको नींद नहीं आ रही है तो ये परेशान हो रहे हैं। गैस बस बस बेटा चलो अब हम सोएंगे, चलो बाय बोल दो, बाय गुड नाइट, बाय बाय बोल दो, जल्दी से बाय बोल दो, जल्दी से बाय गुड नाइट सबको, टाटा शुभ रात्रि।